खोए अपनी उन्नति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धर्म के अनुसरण हेतु प्रताड़ित कैसे कर सकता है? कैसे विवश कर सकता है कोई? ये पाप है, अधर्म है। परमात्मा से पुनर्मिलन हेतु अंतरात्मा से जब इच्छा उत्पन्न होती, तब प्रत्येक व्यक्ति धर्म का मार्ग स्वयं अपनी इच्छा से चुनता है। ये उसका अधिकार है। भक्ति को, धर्म को जब भी कोई आडंबर बनाएगा, यदि कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करे, उसे शोषण का माध्यम बनाए, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। सत्य तो यही कि तुम एक दैत्य अंश हो। जन्मों उपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया, और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। मन में उत्पन्न होने वाला लोभ, अहंकार और महत्वाकांक्षा है, जो भी इन तीन भावों के अधीन हुआ है वो असुर। जब तक ये तीनों अवगुण इस संसार में रहेंगे, संसार पे कोई ना कोई संकट मंडराता रहेगा। संसार में एकता नहीं होगी, समानता नहीं, संसार विभाजित रहेगा। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना, क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है।